धनु राशि वालों को बहुत विनम्र बने रहना होगा, क्योंकि अगर आपके व्यवहार में कोई तेजी आएगी, कोई शक्ति आएगी, तो उससे फिर नुकसान हो सकता है। आपके जो प्रयास हैं उससे आपको पूरा फायदा उठाने की कोशिश इस समय करनी चाहिए। क्या करना चाहिए इस समय में? आपके मन में कई तरह के बदलाव हो सकते हैं, लेकिन वो जो बदलाव हैं उनसे कोई फायदा होने वाला नहीं है। खासकर कामकाज की स्थिति में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी बनाने की जरूरत है। आप व्यर्थ में विकल्प के बारे में ना सोचते रहें। क्या ना करें इस समय में? अपनी क्षमताओं पर शक करना इस समय बिल्कुल ठीक नहीं होगा। जो भी कमियां हैं इस समय की, उन्हें समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनकी वजह से कामकाज में जैसे गिरावट आती चली जा रही। भाग्य भी उतना मददगार नहीं है स्थिति को संभालने के लिए।